हॉलीडेज एवरीबॉडी, मैं किड्स टॉय स्टोर में आना हूँ। क्रिसमस सीजन के हर पल का मजा जरूर लेना। वाओ मिस्टर मिंकल, लगता है आपकी क्रिसमस परेड तो जबरदस्त हिट है। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कुछ भी समझ नहीं रहे हो। आप मेरे अंकल की बात का बुरा मत मानिए, इनका बिजनेस बहुत डाउन है। अगर ये बहुत सारे टॉयज नहीं बेच पाए तो स्टोर बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए ये चिड़चिड़े हो रहे हैं। हाँ, किसी बात ने इन्हें इस साल बिल्कुल बदल दिया है। वेलमा, डैफनी, यहाँ पर। कैंडी केन, कैंडी केन। जल्दी करो स्कू, मेरा पेट कह रहा है कि मैं जल्दी खोलूं ये क्रिसमस स्नैकेज पैकेज। क्रिसमस, क्या मेरा पेट थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हें बचा लूंगा दोस्त। यहाँ आओ, अंदर, यहाँ हमें कुछ नहीं होगा। दरवाजा खुला रखना। क्या चीज थी फेबियन? की चीज थी? नहीं, ये वही शैतान है, द सिनिस्टर स्नोमैन। वो परेड ही हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन ये यहाँ है तो स्टोर बंद करना होगा और क्रिसमस भी कैंसिल करना होगा। मैं अपने अंकल को देखने जा रहा हूँ। आप सब लोग यहीं रहना, सेफ रहोगे, बस बाहर मत जाना। मैं वापस लौट कर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। क्रिसमस बुरा है अंकल जी, आप गलत बोल रहे हैं। क्रिसमस तो मजेदार है। मुझे एक्टर बनने से नफरत है। हर साल लहर पर उस फ्लोट पर राइड करो, खुश रहो और कहते रहो हो हो हो। मैं तंग आ गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं रुको, बाहर मत जाओ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं कुछ और अच्छा काम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। फ्रेडी, ये बहुत खतरनाक है। डैफनी सही है, वो शैतान बाहर ही है और किसी मकसद से है। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक इस मिस्ट्री की तह तक ना पहुंच जाएं। हम ये स्टोर बंद होने नहीं देंगे। ना क्रिसमस कैंसिल। इसीलिए हम फेबियन के अंकल से बात करेंगे। हैप्रोस मिंकल ही यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब उस स्नोमैन ने हमला किया था, इस बात से उनमें दिलचस्पी बढ़ती है। ए, ये क्या है? ये ग्लॉकेनस्पील का बैक साइड है, शायद हम लोग क्लॉक टावर में हैं। माफ कीजिएगा मिस्टर मिंकल, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने और। चले जाओ, गेट आउट, चले जाओ, मैंने कहा ना चले जाओ। आगा। आगा।
मैं बताने वाला था कि मेरे अंकल को मत छेड़ना। जब मैंने उनसे बात की तभी वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। अजीब और उलझे हुए। आप लोग जाने का तो नहीं सोच रहे ना, क्योंकि कोई भी नहीं जा सकता। स्नोमैन ने हमें यहीं जमा दिया है और फोन भी डेड है। कोई बचाने नहीं आने वाला, इसलिए तुम बच्चे जरा होशियार रहना। थैंक यू क्लीट, ये यहाँ साफ सफाई का काम करता है, इससे डरने की जरूरत नहीं। एक बात तो मान लो फेबियन, तुम्हारे अंकल सिर्फ टॉय सेल्स से परेशान नहीं है। जानता हूँ, वो एक श्राप से परेशान है। हाँ व्लादिमीर हास्टिकोर, वक्त आ गया है मैं तुम्हें व्लादिमीर हास्टिकोर और सिनिस्टर स्नोमैन के श्राप के बारे में बता दूं। वो बहुत बुरा बूढ़ा खुदगर्ज था। अपने आसपास जलन से शहर को फैलता देखता, उसे लोगों से नफरत थी। वो अकेला रहना चाहता था, फिर उसे जिसका डर था वही हुआ। मेरे अंकल ने मेनकल टॉय स्टोर बिल्डिंग बनाई, खूबसूरत क्रिसमस ग्लॉकेंस्पील के साथ सड़क के पार। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सारी कड़वाहट और नफरत समेटी और गायब हो गया। फिर अपनी बुरी आत्मा के साथ एक स्नोमैन में समा गया। आज उसे गायब हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। उसी रात जाइंट क्लॉक थम गई थी और उसके बाद आज तक कभी नहीं चली। अब व्लादिमीर लौट आया है और उसका साया मेरे अंकल पर है। अब कुछ नहीं हो सकता। सिनिस्टर स्नोमैन का श्राप आखिरकार हमारे फैमिली टॉय स्टोर को तबाह कर देगा। ठीक है गैंग, तैयार? हमें एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है। मैं हूँ एस्कॉट वन, मैदान साफ है। आई रिपीट, सिनिस्टर स्नोमैन कहीं नहीं दिख रहा। सुना चश्मे वाली जीनियस? फ्रेड, हम लोग यहीं खड़े हैं। क्या हम जा सकते हैं मैंशन देखने? ना क्यों नहीं? नहीं, मेरा मतलब था कि क्या हम घर जा सकते हैं? गाइस, ये तो मुझे बर्फ का कोई म्यूजियम लगता है। ठीक है गैंग, अलग हो जाओ और बस क्लूज ढूंढो। पर हम अलग होना नहीं चाहते। अलग होने से ही डरावनी चीजें होती हैं। हमारी कोई सुनता ही नहीं। शायद ये हमें इसलिए साथ रखते हैं कि हम इन्हें बचा सके और बचा हुआ खाना खाए। बचा हुआ खाना। खाने की बात बंद करो और बेसमेंट चेक करो। मैं और डेफनी एटिक चेक कर रहे हैं। ये देखो रॉकेट, मुझे रॉकेट पसंद है। मैंने रख लूं डेफनी, रख लूं? नहीं फ्रेडरिक जोन्स, तो मैंने नहीं रख सकते। ये सबूत है, पर किसके ये पता नहीं। सिल्वर आयोडाइड, इससे बादलों को फ्रीज करके बारिश बनाते हैं ना? हाँ क्या? देखो स्कूबीडू, छोटे छोटे ट्रेन ट्रैक्स। कहीं उस व्लादिमीर को टॉय ट्रेन से खेलने का शौक तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। शैगी, ये देखो, मैं डरावना मॉन्स्टर हूँ। मैं भी एक डरावना मॉन्स्टर हूँ।
भागो उसको भेजो। एक पोस्ट कार्ड, तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, जिंकीज। मेरा चश्मा, उसके बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। काश मैं चश्मा नहीं लगाती। स्नोबॉल पकड़ो। अब हम क्या करेंगे? अब बस हम एक ही काम कर सकते हैं, पिज्जा मंगाना। हाँ, वो भी डबल टॉपिंग्स और मिल्क शेक के साथ। शायद नहीं, उसे फांसने का कोई तरीका सोचना होगा। शैगी, स्कूबी, तुम लोग यहाँ पहरा दो, हम काम पे लगते हैं। पर स्कूबी की पिज्जा वाली बात क्यों नहीं? ठीक है, इन ब्लू प्रिंट्स के हिसाब से तो टॉय स्टोर का पुराना बॉयलर रूम स्नोमैन को फांसने के लिए सही रहेगा, पर सवाल ये है कि उसे वहाँ आने के लिए ललचाएं कैसे? इससे मेरे अंकल कैसे बचेंगे अगर ये श्रापित है तो? फेबियन, शायद तुम्हारे अंकल श्रापित नहीं हैं। ये सब कुछ कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं कर रही है, बल्कि कोई और कर रहा है। वक्त आ गया है, क्लीट, खत्म कर दो। ये तो कमाल का आइडिया है स्कूबी, कोई स्नोमैन अंदर नहीं आएगा ये सोच कर कि यहाँ तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। networkindia.co.in Mr. Freeze, building में आ चुके हैं। डरना मत डरपोक, हमारे पास प्लान है। स्पेस टू एस्कॉट बॉय, मुझे सुन रहे हो? ट्रैप तैयार हुआ या नहीं? यहाँ सब क्लियर है। स्पेस टू एस्कॉट बॉय, कम इन। ये तो वही सांता है। अंकल जी, आप यहाँ कैसे? मतलब ये तो सांता का घर है। मुझे लगा टॉय स्टोर मुश्किल में है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह, अब मैं समझ गया। चलो जल्दी कहीं छुप जाओ। वहां से निकलो। जल्दी करो नॉविल, अपने दोस्त को बचाओ। Oh!
क्या हो गया? यहाँ से बचाओ हमें। अगर मैं ग्लॉकेनस्पील को चला सकूं तो किसी की नजर हम पर पड़ सकती है। हमें शैगी और स्कूबी को ढूंढना होगा। शायद अब ये चलेगी। भागो नॉर्विल, भागो स्कूबर्ट। हमने ग्लॉकेनस्पील को सुना, तुम दोनों ने सिनिस्टर स्नोमैन को पकड़ लिया। पूरी तरह नहीं पर काफी हद तक। चलो देखेंगे असल में है कौन। मैं जानता था स्टोर के अकाउंट में से पैसे गायब हैं। मैंने खुद पता लगाने की कोशिश की और आज रात ही ये जान पाया कि मेरा अपना भतीजा इस काम के लिए पैसे चुरा रहा है। तभी मुझे मिस्टर मेंकल ने पुलिस लाने को भेजा। पता तो हमें भी चल ही गया था। काफी सबूत हमने भी जमा कर लिए थे, जैसे सिल्वर आयोडाइड जिसका इस्तेमाल तुमने किया बादल और बर्फ का तूफान बनाने के लिए, और तुमने छोटे ट्रेन ट्रैक्स पर रिमोट कंट्रोल स्नोमैन को यूज किया। इसी तरह तुम पहले हमले में फ्रेड के साथ रह सके। और हाँ, तुमने खतरनाक फ्रॉस्ट बनाया लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके, साथ ही कुछ आइस नैनाइट भी बनाए अलग मॉडल्स बनाने के लिए। तुमने बिजनेस को बर्बाद और मुझे पागल करना चाहा। सही कहा आपने अंकल, अगर मैं आपको गायब कर सकता तो स्टोर बेचकर सारे पैसे ले सकता था। बस मुझे सारा इल्जाम व्लादिमीर हास्टिकोर की कहानी पर लगाना था। वैसे इस कहानी में भी कुछ सच्चाई है। व्लादिमीर ने अपने नौकर को ये पोस्ट कार्ड भेजा था, वो गायब हुआ ठीक है, लेकिन मायामी बीच के एक बंगले में। हाँ, मैं अपने मकसद में अब भी कामयाब हो जाता अगर तुम बदमाश बच्चे और तुम्हारा क्रिसमस का दीवाना डॉगी बीच में टांग नहीं अड़ाते। बस एक मिस्ट्री रह गई है, तुम दोनों ने क्रिसमस ग्लॉकेनस्पील को चलाया कैसे? वो तो बरसों से टूटी है। हमने नहीं, सेंटा बने आदमी ने किया। मतलब इन्होंने? वो एक स्नोमैन था, बात मानो मेरी। अब प्लीज मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं एक एक्टर हूँ। अगर ये अंकल जी सेंटा नहीं है तो हो।
मुझे और मेरे स्टोर को बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा इन हंसते हुए चेहरों को देखो तो, मैं हमेशा इन बच्चों को खुश देखना चाहता था। कहना पड़ेगा मिस्टर मिंकल, आपका टॉय स्टोर बहुत अच्छा है और आपका सांता उससे भी अच्छा। आओ बैठो बेटा और क्रिसमस पर जो चाहिए सब सांता से मांग लो। मेरी क्रिसमस आपको और स्कूबी डूबी डू।